भीलवाड़ा शहर के केंद्र में नेहरू तलाई, जिसे धांधोलाई भी कहते हैं, स्थित है। इस तलाई में 3 आइलैंड है, जिन पर स्थित पेड़ों पर 7 पक्षियों की प्रजातियां, जैसे ब्लैक हेडेड आइबिस, एशियन ओपन बिल स्टॉक, यूरेशियन स्पॉन बिल, नाइट हेरॉन, कैटल ग्रेट, ग्रेट इग्रेट तथा ओरिएंटल डाइटर के घोंसले देखे गए हैं। साथ ही गत वर्ष शोधार्थी अनिल कुमार शर्मा ने राजस्थान में पहली बार ग्लोसी आइबिस नामक पक्षी प्रजाति का प्रजनन भी यहां पर देखा था। यहां पर ब्लैक हेडेड आइबिस के इस वर्ष 116 घोंसले देखे जा चुके हैं। पक्षियों के प्रजनन को देखते हुए यह स्थान काफी सुरक्षित है, परंतु यहाँ प्रदूषण के कारण यहाँ का पानी व वातावरण अत्यधिक खराब व दुर्गंध युक्त है। हमें इस स्थान के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अनिल कुमार शर्मा, MLB गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। 2021 के अंदर इस मेन आइलैंड पर ब्लैक हेडेड आइबिस के 116 नेस्ट और ओशियन ओपन बिल स्टोर के 86 नेस्ट देखे हैं। लास्ट ईयर एशियन ओपन बिल स्टोर के जो सेकंड आइलैंड है उस पर कुछ ही नेस्ट दिखे थे, लेकिन इस वर्ष इसके नेस्ट के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। इस वर्ष अब बारिश अच्छी हो चुकी है, तो सेकंड और थर्ड आइलैंड के चारों ओर का वाटर लेवल बढ़ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब जो ब्लैक हेडेड आइबिस के जो लेट नेस्टर्स हैं वह भी ब्रीडिंग कर सकते हैं सेकेंड आइलैंड पर। साथ ही हमने कुछ पेंटेड स्टॉर्क भी देखे हैं, तो हो सकता है कि वो भी यहाँ ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी यूरेशियन स्पूनबिल का ब्रीडिंग सीजन आएगा तो वह भी अपने नेस्ट बनाएगी यहाँ पर। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर ग्लोसी आइबिस की ब्रीडिंग को भी रिकॉर्ड किया है। यह ब्रीडिंग साइट्स बर्ड्स के लिए एक ब्रीडिंग का एक हेवन का काम करता है, लेकिन इस ब्रीडिंग साइट की सबसे बड़ी कमी यही है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसका कारण यही है कि यहाँ के जो शहरवासी है वो अपने यहाँ पर जो पानी के अंदर जो कैट फिशेज है उनको फूड मटेरियल खिलाने आते हैं। इसी के साथ फूड मटेरियल खिलाने के बाद ये अपना जो साथ लाए जो रैपर्स है या पॉलीथीन है उसको भी पानी में या पानी के पास में छोड़ जाते हैं।